ऑल ओवर मीडिया में ये चीज हो रखी है, एलविश यादव अरेस्ट हो गए, एलविश यादव नशीले पदार्थ के साथ साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए, ये सारी चीजें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए एलविश यादव अरेस्टेड, जो सारी चीज़ें आप लिख रहे हो, प्लीज़ मेरा नाम ख़राब ना करें, और ये जितने भी इल्ज़ाम लगे इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। He says he has nothing to do with the raids, the searches and the FIR as well is completely baseless. Bharatiya Janata Party MP and animal activist Meneka Gandhi, whose NGO was the main complainant in the case, also called for the arrest of Elvish Yadav, especially after the raids were carried out. A joint raid was carried out and several recoveries were also made. And Meneka Gandhi says it's high time he be arrested. ये जो बंदा है, इसके ऊपर हमारी नजर बहुत दिनों से है, क्योंकि ये जो अपने फिल्में खींचता है, फोटो खींचता है और लगाता है यूट्यूब पर, उसमें वो सांप अक्सर पहनता है, तो फिर ये सारे के सारे सांप इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, पाइथन्स हैं, कोबराज हैं, और इनको लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए 7 साल की सजा है, संगीन जुर्म माना जाता है। और एक दफा थोड़ी सी चस्का लग गई मशहूरता की, तो फिर वहां हेडलाइन में रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। As the Delhi police has arrested 5 people in connection with the case, their kin have come out to claim innocence. Listen in. सर मेरे भाई राहुल मेरे ही भाई है और जैकन मेरे फादर है। सर इनको कॉल आया था कि किसी बर्थडे पार्टी में ना इनको ढोल बीन वगैरह बजानी है, जैसे इनको आते हैं। राहुल वो शख्स है जिसका नाम पेडलर के रूप में लिया जाता है कि वो ड्रग पेडलर है, एफआईआर की बना। सर ऐसा कुछ नहीं है, वो एक ड्राइवर है, बीन पार्टी का काम करते हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी लगा रखी है। ये नहीं पता किसी ने क्यों साजिश की है हमारी फैमिली के खिलाफ। हम तो सपेरे है सर, हम खुद गरीब जाति से है, बेरोजगार है, हमारे खिलाफ। एलविश यादव को जानते थे राहुल? सर ना हम जानते, मेरा भाई है, मैं अपने भाई के बारे में नहीं जानूंगी। सर हमें तो अंदर भाई से मिलने नहीं दिया जा रहा है। और रही बात अलविश यादव से कांटेक्ट की राहुल की, तो आप उनके कॉल रिकॉर्ड चेक कीजिए ना, पुलिस को बोलिए उनका फोन दे, उनका कॉल रिकॉर्ड चेक कीजिए, उसमें सच्चाई सारी सामने आ जाएगी। And well, the UP forest minister has also reacted to the Noida rave party. He says 5 people have been arrested. Has also commented on the kind of recoveries that have been made during the searches which were carried out. Says 9 snakes in total have been recovered. Listen in. People's for Animal Police, a forest department ne ek saath joint attack kiya hai, joint logon ko pakda hai, ek tarfa 5 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से 9 सांप मिले हैं और वो पॉइजनस हैं, और इसलिए हमारे फॉरेस्ट के 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत इन पर कार्रवाई होगी। 2 साल से 7 साल तक की सज़ा है और इसमें पुलिस अपना काम कर रही है और मैं समझता हूँ पूरी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। What's also interesting is the political reaction that's come in from the Congress in the meanwhile, which has come out to question the Haryana government. In fact, Congress leader Pawan Khera mentioned certain BJP leaders who've been seen with Elvish Yadav in the past. Listen in. तो आप खट्टर जी से पूछिए कि जो जहर का व्यापार करते हैं, सांपों का व्यापार करते हैं, वो उनको इतने प्रिय क्यों हैं? और भी लोगों के साथ फोटो है उनकी, हमारी वो मंत्री महोदया हैं स्मृति ईरानी, उनके साथ भी फोटो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई थी। इन्हीं लोगों से पूछिए ना कि जो सांपों का व्यापार करते हैं वो आपको इतने पसंद क्यों आते हैं, पूछिए इनसे, मुझे भी बताइए क्या जवाब देते हैं। You heard it from the UP Forest Minister, says 5 people have been arrested. Remember, the 6th name in the FIR is that of Elvish Yadav. We have a latest reaction of the DCP Noida as well. Priyank in conversation with the DCP Noida. Listen in.
रियाज सर, दो चीजें निकल के सामने जो समझ में आ रही हैं, एक पीएफए वालों ने एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया, दूसरा एल्विस यादव के पास 6 महीने पुराना एक वीडियो है जिसमें वो सांप के साथ है। इन दोनों चीजों को आप लोग कैसे लिंक कर रहे हैं सर, और जो शिकायत करता है उन्होंने कैसे लिंक किया? देखिए, जो दोनों सवाल आप पूछे हैं, इन हम दोनों का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। सारे रिकॉर्ड हम मंगा रहे हैं कि कहां से क्या चीजें रिलेटेड हैं, अनरिलेटेड हैं, इसी का वेरिफिकेशन हो रहा है और उसी से भी मामला आगे बढ़ेगा। क्योंकि एक आरोपी जो है, एक ऑडियो टेप है, उसमें वो कहता नजर आ रहा है कि एल्विश को पता है कि किस तरीके से सांप होते हैं, एल्विश को पता है कि कितना रेट लगता है। तो आपको लगता है कि पहले भी इन दोनों ने कभी ऑर्डर करके मंगवाया होगा? बातचीत से ऐसा लग रहा है। यही सारे सवालों का जवाब हम भी तलाश रहे हैं, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि नोएडा पुलिस क्या करना चाहते हैं। तो नोएडा पुलिस वेरीफाई कर रही है, जो जो तथ्य इन्होंने दिए हैं, जो उनके मोबाइल से आया है, जो वीडियो है, उसे सबको वेरीफाई किया जा रहा है। तो सर, क्या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो एफआईआर है आपकी, वो बिना तथ्यों के जांच के ही उस किसी आरोपी का नाम डाला जा सकता है? सर हाँ, बिल्कुल डाला जा सकता है, कोई लिखा देता है, लेकिन कार्रवाई तो तब होगी जब उसको वेरीफाई कर लिया जाएगा हर फैक्ट्स को।